अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ शाही ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही ईजी। आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। सबसे पहले हमें इसके लिए सिरप तैयार करना है, क्योंकि उसको ठंडा भी करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हमने एक पैन लिया, उसमें हमने ली है 250 ग्राम शक्कर। जितनी हमको चीनी लेनी है उतने ही हमको पानी भी डालना है इसमें। तो हमने 250 ml वाटर भी ऐड किया है इसमें। अब यहाँ पे हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे ऑरेंज फूड कलर की। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर अच्छा सा आए तो आप भी ज़रूर से ये डालिएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। अब हम इसको बॉयल होने देंगे और इसके लिए हमने 2 तार की चाशनी तैयार कर लेनी है। जब एक बार ये बॉयल हो जाएगा, अच्छे से बॉयल हो जाएगा, तब आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये कितनी स्प्रिंग का सिरप है। हमें 2 तार की चाशनी चाहिए, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये रेडी हो गई है, हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें कुछ एसेंस डालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें डालना है 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, जो इसको एक अच्छा सा फ्लेवर और स्मेल देगा। और तकरीबन 1/2 छोटा चम्मच केवड़ा वाटर या आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी शुगर सिरप बिल्कुल तैयार हो गया है, हम इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पे हमने एक पैन लिया नॉनस्टिक, उसमें हमने डाला है 300 ग्राम खोया या मावा, आप जो भी कहें। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है या सॉटे करना है, ताकि इसकी एक रॉ स्मेल है वो निकल जाए। तो ये देखिए, ये मेल्ट होने लगा है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, हमने चॉप किए थे। हमने लिया है बादाम, काजू, किशमिश। आप चाहे तो अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस मिक्सचर को हमने ठंडा होने देना है, इस फिलिंग को। यहाँ पे हमने कुछ ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, आपको जितनी बनानी हो आप उतना ले सकते हैं अपने हिसाब से। उसकी साइड्स को हमने निकाल लेनी है, क्योंकि इसकी साइड्स जब हम इसको रोल करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो प्रॉब्लम करेगी, जिससे हमारा ब्रेड रोल फट सकता है, इसलिए हम उसकी साइड्स को निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने साइड्स निकाल दी है। उसके बाद हमने इसको रोल करना है बहुत ही हल्के से रोलिंग पिन की हेल्प से। अब हम इसकी साइड्स पे पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो के स्टिक हो जाए। अब हम इसके बिल्कुल सेंटर में डालेंगे 1 चम्मच फिलिंग, जो हमने तैयार की थी मावा और ड्राई फ्रूट से, और इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे बहुत ही आराम से, हल्के हाथ से। देखिए, हमारा इस तरह से तैयार हो गया, ओवल शेप हमने इसको दिया है। इसी तरह से हमने सारे तैयार कर लेने हैं। हल्का हल्का पानी लगा के इसको स्टिक कर लेना है। यहाँ पे हमने पहले से ही ऑयल अच्छे से हीट करने के लिए रख दिया था। हमने इसको डीप फ्राई करना है, तो आप उसके हिसाब से ऑयल हीट करिएगा। ऑयल हमारा अच्छे से हाई हीट होना चाहिए। अब हम इसमें अपने ब्रेड रोल्स फ्राई कर लेंगे, जो हमने तैयार किए हैं। ब्रेड को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ही हमको इसको अंदर तक कुक करना है। बस ऊपर से हमने इसको कलर आने देना है, इसलिए हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट लगेगा इसको होने में, तब तक के लिए कुक कर लेना है। ये देखिए, प्यारा सा कलर आ चुका है इसमें, हमने इसको डार्क नहीं होने देना है। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे, ताकि इसका सारा ऑयल टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर ले। इसी तरह से हमने सारे फ्राई करके रख लिए हैं। यहाँ पे हमारा सिरप जो हमने तैयार किया था, वो भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो हम अपना गर्मा गर्म ब्रेड रोल जो हमने फ्राई किया है, वो इस सिरप में हमने डाल देना है। और इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह से हमने सोक करके रख देना है, छोड़ देना है इसको, ताकि सिरप ये अंदर तक अब्सॉर्ब कर ले। तो ये देखिए, 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें से निकाल लेंगे, शुगर सिरप हटा लेंगे और इसको रोल करेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट में। अगर आपको अच्छा लगता है कोकोनट, तो आप ज़रूर से लगाइएगा, वरना आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। पर अगर आप लगाएंगे तो इसका प्यारा सा लुक भी आएगा और ये टेस्टी भी बहुत बनेगा। आप चाहे तो सिल्वर वर्क का भी यूज़ कर सकते हैं, या चांदी का वर्क आप कहिए, उससे और ये और खूबसूरत लगेगा। तो हमारा शाही ब्रेड रोल बिल्कुल तैयार हो गया है बनके। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। आपको कैसा लगा मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जल्दी मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे सेफ़।